नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रवि और आज आपके लिए लेके आया हूं दोस्तों मैं एक नया वीडियो। इस वीडियो के अंदर आज हम बात करेंगे एसी के बारे में। तो आज हमारे वर्कशॉप में आई है मारुति के अल्टो 800 2018 मॉडल और इसके अंदर आज हम एसी कंप्रेसर इसका प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है तो उसके अंदर क्या प्रॉब्लम हुई थी वो पहले प्रॉब्लम डायग्नोस्ट करेंगे, उसके बाद मैं आपको इस वीडियो में सारी जानकारी दूंगा कि हम गाड़ी की एसी कैसे रिपेयर कर सकते हैं। अभी तक आपने हमारा ये चैनल अगर रवि मनारिया सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो आपसे निवेदन है कि हमारे इस चैनल रवि मनारिया को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आने वाले टाइम में हम जो भी वीडियो बनाएंगे उसका आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगा दोस्तों। तो हम बात करते हैं अल्टो 800 के बारे में। 800 सीसी का इसका इंजन है और इसके अंदर जो एयर कंडीशन है वो खराब होने का, कंप्रेसर खराब होने का वो रीजन बताता हूँ मैं कि कस्टमर ने कभी इसकी एसी चलाई नहीं, कभी इसकी एसी का यूज किया ही नहीं। तो एक दिन उन्होंने इसको यूज किया था तो कंप्रेसर जाम होने की वजह से कंप्रेसर का जो क्लच बेयरिंग था वो जाम हो गया था, जिसके कारण क्या हुआ कि उसकी जो मैग्नेट कॉइल है अंदर की वो कॉइल जल गई थी बेयरिंग फ्री नहीं होने के कारण। तो आज हम क्लच सेटिंग के बारे में बात करेंगे, क्लच बेयरिंग के बारे में बात करेंगे कंप्रेसर के, और उसके अंदर कितना ऑयल हमें टॉप अप करना है और उसके बाद जो रेफ्रिजरेंट है हमारी R134 वो कितनी डालनी है, कितनी डलेंगी, सारी हम इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी देंगे। तो वीडियो को अधिक लंबा नहीं खींचते हुए अब मैं बात करता हूँ कंप्रेसर के बारे में। तो मैं उसके सारे जो पार्ट खराब हो गए थे उसकी एक बार आपको जानकारी दे देता हूँ। गाइस, जो हमारा एसी का कंप्रेसर है वो हमने इसको खोल के रखा हुआ है और इसके आगे सारी क्लच की असेंबली लगती है, क्लच बेयरिंग लगता है और हमारा क्लच लगता है। तो ये हमारा क्लच कूलर, इसे हमने क्लच खोला है और देखिए ये हमारी है मैग्नेट कॉइल, जिसके कारण जब हम एसी को ऑपरेट करते हैं तो इसमें मैग्नेट जनरेट होती है। मैग्नेट जनरेट होने के बाद जो हमारा क्लच है वो कंप्रेसर को स्टार्ट करता है, मतलब ये ऑन होता है, कंप्रेसर ऑन होता है। तो सारा खेल इसी का है मैग्नेट का। और यह है मैग्नेट का जो बेयरिंग है, खराब होने का कारण क्या हुआ था कि ये मैग्नेट जो अंदर जो बेयरिंग लगा हुआ होता है इसकी पुल्ली के ऊपर ये जाम हो गया था, ये बेयरिंग बिल्कुल जाम है, देखिए आप मेरी उंगली से ये नहीं हिल रहा है और नहीं डुल रहा है। तो ये जाम होने की वजह से फिर क्या हुआ कि ये इजीली इसके ऊपर घूमता रहा, ये बल्कि बेयरिंग अंदर टाइट जाना चाहिए, ये ऐसे घूमता रहा। घूमने की वजह से, ज्यादा गर्म होने की वजह से मैग्नेट जनरेट होती रही और मैग्नेट जनरेट होने से मैग्नेट हमारी जल गई है, देखिए इस तरीके से खत्म हो गई है। और जो हमारी क्लच है वो क्लच भी जल के इसकी सारी पैकिंग वगैरह रबड़ की बाहर आ गई है। तो हम ये तीनों आइटम नए डालेंगे, हम लाए हैं जेन्युइन अल्टो का क्लच असेंबली और बताता हूँ इसके अंदर क्या क्या आएगा। ये इसकी पैकिंग है दोस्तों और सबसे पहले हम बात करेंगे, ये हमारा क्लच का सेट हो गया, ये हमारा क्लच का सेट हो गया अल्टो का, ये देखिए आप अल्टो का क्लच का सेट बिल्कुल नया। और उसके बाद ये हमारी मैग्नेट कॉइल हो गई बिल्कुल नई फ्रेश, और ये हमारा हो गया क्लच का बेयरिंग पुल्ली के साथ। ये तो सारा आइटम इसके अंदर डलेगा और फिर हम इसकी गाड़ी की फिटिंग करके कस्टमर रिव्यू भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप वीडियो के साथ बने रहिए। देखिए दोस्तों कैसे फिटिंग होता है, ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। ये हमारे तीनों नए आइटम है और ये तीनों हमारे खराब आइटम है जो कंप्रेसर से हमारे निकले थे। तो सबसे पहले हम इसको इंस्टॉल कर देते हैं, क्लच को, क्लच बेयरिंग को और मैग्नेट कॉइल को। सबसे नीचे मैग्नेट कॉइल लगेगी, उसके ऊपर फिर हमारी ये असेंबली बेयरिंग की असेंबली लगेगी, उसके बाद हमारा क्लच फिट होगा। तो आप वीडियो के साथ बने रहिए। और ये जो है दोस्तों हमारी अल्टो 800 2018 मॉडल जो हमारी लिफ्ट के ऊपर है, और इसका जो हमने जो खोला था कंप्रेसर वो यहाँ से खुलता है, दोनों इसकी पाइपिंग है ये, और इसके अंदर गैस डलेगी फिर हमारी। तो आप वीडियो के साथ बने रहिए दोस्तों। कंप्रेसर के ऊपर जो हमारे क्लच की असेंबली थी उसको फिक्स कर दिया है, और सॉरी इसको पुल्ली को और मैग्नेट कॉइल को फिक्स कर दिया है। इसके ऊपर ये लॉक लगती है, इस लॉक को भी फिक्स कर दिया है। और अब इसके अंदर ये जो हमारा क्लच है ये क्लच फिक्स होगा, और क्लच पुलर से इसको टाइट पकड़ के फिर इसके ऊपर जो हमारा 10 नंबर मशीन चूड़ी बोल्ट है ये वाला, वो हम इसको टाइट करेंगे।
गाइस देखिए, हमने कंप्रेसर की जो क्लच असेंबली है उसको कंप्लीट फिट कर दिया है, बेयरिंग नया डाल दिया है और कंप्रेसर की जो पुल्ली है उसको भी कंप्लीट टाइट कर दिया है, क्लच असेंबली को टाइट कर दिया है 10 नंबर बोल्ट से। और अब हम इस कंप्रेसर को फिटिंग करेंगे गाड़ी के अंदर और थोड़ा सा ऑयल डालेंगे इसमें, कंप्रेसर ऑयल, उसके बाद इसमें गैस लीकेज चेक करके गैस डालेंगे। तो आप अभी तक हमारे वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आने वाले टाइम में हम जो भी वीडियो बनाएंगे उसका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। दोस्तों तो गाइस दोनों बेल्ट हमने नए डाल दिए हैं, एसी का भी नया डाल दिया है और जो इंजन को, अल्टरनेटर को, वाटर बॉडी को रनिंग कराता है वो बेल्ट भी हमने नए डाल दिए। जो हमारा कंप्रेसर है दोनों पाइप हमने फिक्स कर लिए, एयर डाल के लीकेज भी चेक कर लिया है और ये हमारी अल्टरनेटर की बेल्ट हो गई एसी वाली और पीछे अल्टरनेटर वाली बेल्ट है। क्लच असेंबली पूरी नई डाल दी है अल्टो के अंदर, अब हम इसके अंदर वैक्यूम करके फिर गैस डालेंगे। ये हमारी वैक्यूम हो रही है मोटर से, ये एसी का जो मीटर है वो हमने लगा रखा है। देखिए जैसे जैसे वैक्यूम होगा जैसे जैसे ये नीचे जाएगी सुई अपनी, और लो प्रेशर के अंदर लगा रखा है। तो गाइस देखिए जो हमारा एसी कंप्रेसर है प्रॉपर रनिंग कर रहा है। देखिए अभी पुल्ली घूम रही है, जैसे ही कंप्रेसर ऑन होगा तो ये क्लच काम करने लग गया है, यानी एसी हमारी प्रॉपर कंडीशन में काम कर रही है। और जो गैस है वो हमने वर्लपूल की डाली है इसके अंदर R134, और जो सुई है वो कंप्लीट आप देखिए, गाड़ी की जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अच्छी है एसी के ऊपर। अल्टो 800 2018 मॉडल, और जो चिल्ड है काफ़ी अच्छी, एकदम चिल्ड हवा आती हुई एसी की। कंप्रेसर का काम किया हमने इसके अंदर और दोनों बेल्टें भी हमने कंप्रेसर की और दोनों इंजन वाली बेल्ट भी हमने चेंज कर दी है। नया इसके अंदर हमने LPG किट लगाया था, थ्रीडेक वेपोराइज़र, लिक्विड फिल्टर और मैप सेंसर, यूनिट एच का ACM ओरिजिनल प्रॉपर तरीके से काम किया है इसके अंदर। और एक बार हम लीकेज टेस्ट करके फिर इसका जो बम्पर खोल के रखा हुआ है हमने ये पड़ा है, इसको फिटिंग करते हैं। ये आप देखिए एसी का काम होता हुआ हमारे वर्कशॉप में प्रॉपर तरीके से। तो गाइस गाड़ी हमारी प्रॉपर तरीके से ओके हो गई है और अब हम इसकी राउंड लेंगे चलाकर कि भाई इसमें एसी जो का काम किया है वो प्रॉपर हो रहा कि नहीं है। ये इसके अंदर हमने LPG किट हमने लगाया है, RTO अप्रूव्ड, आमलिया जे एंड सन्स, मल्टी ब्रांड कार वर्कशॉप। और हमारा मोबाइल नंबर है देखिए आप 9928505007, रवि मिनारिया, अल्टो 800